हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK टेक पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी के लिए आप ये फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेटेड व्हाट्सएप में ही ये फिंगरप्रिंट लॉक वाली ऑप्शन दिया जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर जा करके यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करेंगे। इसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद फिर यहाँ पे व्हाट्सएप पर हम आएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से हम आपको यह थ्री डॉट्स वाला दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे सेटिंग पे हम चले जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाला दिख रहा है, ये अकाउंट वाले पे हम क्लिक कर देंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट वाला प्राइवेसी है, प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा है कि फिंगरप्रिंट लॉक, तो आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, तो आपको ये इनेबल करने के बाद आपका व्हाट्सएप लॉक हो जाएगा और इसको आप यहाँ फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही अनलॉक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के लिए यहाँ पे आपको कंफर्म फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो हम यहाँ पे फिंगर पहले दे देते हैं। तो फिंगर देने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिकली लॉक्ड का तीन ऑप्शन है, इमीडिएटली, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक बार अपने फिंगर से व्हाट्सएप को अनलॉक कर लेंगे तो इसके बाद आपको इमीडिएटली, यदि आप बैक आ जाते हैं तो आपको इमीडिएटली फिर से यदि आपको खोलना है तो दोबारा से आपको फिंगर देना पड़ेगा। और यदि आफ्टर 1 मिनट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक बार अनलॉक करने के बाद आपको 1 मिनट तक ये आपका व्हाट्सएप ओपन रहेगा, आपका व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं बिना फिंगरप्रिंट दिए हुए। और आफ्टर 30 मिनट में आपको यहाँ पे 30 मिनट तक आपका फिंगरप्रिंट दिए बिना आप चला सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे इमीडिएटली वाला ही रखते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे हम इससे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ पे व्हाट्सएप खोलेंगे तो यहाँ पे हमको मांग रहा है कि व्हाट्सएप लॉक्ड, टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर टच करने के बाद ही ये व्हाट्सएप खुलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये टच हो गया, अब खुल गया है। और यदि आपको इसको हटाना है तो फिर से आपको यहीं पे आ जाना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सेटिंग आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद आपको सबसे ऊपर में ये प्राइवेसी है, प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके। इसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम जो इनेबल किए थे इसको ही हम डिसेबल कर देंगे। इसको हम डिसेबल कर दिए तो यहाँ से ये बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा करके व्हाट्सएप की प्राइवेसी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिस ना हो।